तो दोस्तों अभी तक तो ये समझ में आ रहा था कि जो आपका रिजल्ट है वो 20 मई के बाद आने की संभावना थी, लेकिन अब एनटी टीवी के जो एजुकेशन वाले दोस्तों न्यूज़ है और बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आपके सामने आएगी और ये कह रहा है कि एनटी टीवी दोस्तों ये कह रहा है कि जो रिजल्ट है आपका वो 20 मई से पहले भी आने की संभावनाएँ बनी हुई हैं और किसी भी वक्त आ सकता है। ठीक है, तो चलिए पूरी डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, पूरा डिटेल से देखिए, इस वीडियो को खूब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, नियरली 39 लाख स्टूडेंट्स आर अवेटिंग फॉर द सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 बोर्ड रिजल्ट दिस ईयर। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई दे हैड अर्लियर अनाउंस दैट द रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 20 मई। हाउएवर स्पीकिंग टू एनडीटीवी एन ऑफिशियल फ्रॉम द बोर्ड सजेस्टेड दैट द रिजल्ट कैन बी डिक्लेयर्ड एनी टाइम बिफोर मई 20 एज वेल। यानी किसी भी वक्त 20 मई से पहले किसी भी वक्त दोस्तों रिजल्ट आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो दोस्तों चूंकि एनडीटीवी दोस्तों एक दोस्तों ऑथेंटिक न्यूज चैनल है और चूंकि इसकी जो न्यूज़ होती है दोस्तों ये कोई गड़बड़ न्यूज़ नहीं देता है, जब भी न्यूज़ देता है बहुत ही बढ़िया न्यूज़ देता है, इसलिए दोस्तों इसने जब कहा है कि 20 मई से पहले जो रिजल्ट है आपका वो आने की संभावना है और कभी भी 20 मई से पहले आ सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कि 20 मई से पहले जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आता है। हालांकि आपकी राय ज़रूर से कमेंट में चाहिए, अपने कमेंट करके बताइए कि क्या ये जो न्यूज़ दे रहा है इसके हिसाब से जो रिजल्ट है वो 20 मई से पहले कब तक आ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।